नमस्कार एवरीवन, राधे राधे एवरीबॉडी। आज की कहानी का शीर्षक है ज़्यादा अमीर कैसे बना जाए, या यूं कह लो कि अमीर और खुश रहने की रेसिपी है ये कहानी। तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का एक संवाद है। आई होप आपको ये पसंद आएगी, मुझे तो पसंद है। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा ये कहानी सुनाई जाए। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ समय बिताया करते थे। जब भी उन्हें समय मिलता था, दे यूज़ टू गो फॉर अ वॉक, साथ में जाया करते थे। वो मंदिर से एक दिन आ रहे थे दोनों। तो बात करते करते, कृष्ण जी से बात करते करते, अर्जुन ने नोटिस किया कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो रोज़ बहुत पतला है और रोज उन्हें दिखता है और थोड़ा सा परेशान लगता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में विचार आया कि चलो इसकी मदद की जाए। तो उन्होंने आप देखा ना था, उनके पास कुछ सोने की मुद्राएं थी, वो एक पोटली में डाली और बाबा को पकड़ा दिए, कह के कि बाबा इससे आप अपना कुछ तो शुरू करना और आपका दिन अच्छे से कट जाएंगे, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा होगा आपके साथ। ये बोलकर अपना अर्जुन और कृष्ण जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो हमारा बाबा है, ये चलना शुरू करते हैं मुद्राएं लेकर। अब जब अर्जुन इनको मुद्राओं का पैकेट दे रहे थे, तो एक जो लुटेरा है वो देख लेता है, चोर जिसे कहते हैं, वो देख लेता है। रास्ते में वो क्या करता है, जब देखते हैं कि वो ऐसे अंधेरे रास्ते में होते हैं, घर झोपड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो उनसे छीन लेते हैं। अब बाबा अपना रोते रोते घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी को पूरा बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ और हम अमीर होते होते रह गए। तो रास्ते में बाबा यही सोच रहे थे, मैं शर्फियों का ये करूंगा, मैं इससे वो खरीदूंगा, करते करते सारे सपने मतलब टूट गए। अगले दिन अर्जुन जी और कृष्ण भगवान फिर से मंदिर चलते हैं। वो देखते हैं बाबा सेम हालत में फिर वहीं बैठे हैं जहाँ पर मंदिर की सीढ़ियों के पास भिखारी बैठा करते थे। तो फिर पूछते हैं उनसे, तो वो पूरा बता देते हैं कि भाई मैं लेके गया ऐसे ऐसे, मेरे साथ ऐसे हुआ रास्ते में। तो अर्जुन को बहुत बुरा लगता है कि यार बेचारे को इतनी मुश्किल से मैंने मदद करी और इसका जो है लुटेरे ने छीन लिया। कहते हैं चलो एक काम करो, आज मैं आपको ये, उनके हाथ में एक अंगूठी होती है, वो ऐसे ही एक अंगूठी निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं कि आप ये रखो, इसको आप बेच कर अपना गुजारा कीजिए, कुछ काम शुरू कीजिए, भीख मत मांगिए। तो वो अर्जुन और कृष्ण जी चल पड़ते हैं। कृष्ण जो है हल्का सा मंद मंद मुस्काते हैं। अर्जुन जी उन्हें देख के पूछते हैं कि कृष्ण आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही। तो वो नहीं बताते, ये अपना चल पड़ते हैं। अब जो हमारे बाबा थे वो इस बार ज़्यादा सतर्क थे क्योंकि कल चोरी हुई है। तो वो क्या करते हैं, उनके बहुत फुल स्पीड में वो घर पहुँचते हैं, बिल्कुल अंधेरा रास्ता नहीं चूज करते, जो जो गलती उन्होंने कल की थी वो सब अवॉइड करते हुए वो घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उनके घर में एक मटका है, क्योंकि गरीब इंसान है तो पुराना मटका है, उस मटके में वो छुपा देते हैं कि भैया ये मेरी वाइफ सुबह तो यूज करेगी नहीं, सुबह देखूंगा, अभी सो जाता हूँ, बीवी को भी नहीं बताते। तो उस दिन क्या होता है, घर में पीने का पानी खत्म हो जाता है, तो वाइफ डिसाइड करती है कि मैं रात को, जब अभी थक के आए हुए हैं, कल अपसेट भी थे, अब सुबह पानी भी नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या करती हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हैं और वो मटका उठाती हैं और नदी में चल पड़ती हैं, कि उस समय तो नदी से ही पानी आता था। अब जो मटका था वो कमज़ोर था, जब वो अंदर डालती हैं नदी में तो समा वो टूट जाता है। उन्हें तो कोई आइडिया नहीं कि इसके अंदर क्या है। वो अपसेट होकर घर आती हैं, पूरा वृत्तांत सुनाती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारा इकलौता मटका टूट गया। अब अपना बाबा जो है सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि अरे उसमें तो मैंने ये छुपाया था, कम से कम मुझे तो बता देती। तो आपस में दोनों का आर्गुमेंट होता है, फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आते हैं। फिर वो शाम को फिर वही आरती के समय फिर से मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। अब जब कृष्ण जी और अर्जुन जी वहां से निकलते हैं, वो फिर देखते हैं तो अर्जुन हैरान हो जाते हैं, बाबा मैंने आपको कल इतना सब कुछ दिया था, फिर बैठ गए आप आके। तो वो रोने लग जाते हैं, कह रहे देखो मेरे साथ कल मैंने आपकी बात मानी, मैं घर गया और फिर से ऐसा हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं आज फिर यहीं बैठ गया। तो इस अब अर्जुन जी का जो है मन खराब हो जाता है, वो सीधा कृष्णा के पास जाते हैं कि ये क्या करूं मैं, बताओ, मैं चाहता हूँ इनका भला हो। तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो मैं मदद करता हूँ, तुम अभी रुको। तो उनकी जेब में 2 पैसे होते हैं, वो 2 पैसे उठाते हैं और बाबा को दे देते हैं।
तो बाबा देख के हैरान तो होते हैं कि भाई कल तो इसने वो दिया था अगले ने, और उससे पहले इतना महंगा दिया था, आज 2 पैसे दिए, पर फिर वो निराश नहीं होते, गरीब आदमी है, जो मिल जाए बढ़िया। अब बाबा चलने लगते हैं रास्ते में। अब बाबा जब जा रहे होते हैं रास्ते में, तो अचानक देखते हैं कि नदी के पास से, क्योंकि गुजरते थे, मंदिर नदी के पास ही था, घर भी उनका पास में ही था मंदिर के, और मंदिर के पास में नदी थी। तो वो देखते हैं कि एक जो मछुआरा है वो मछली पकड़ रहा है, बहुत बड़ी मछली है, और बड़ी मछली है तो उनको दूर से देख लिया कि वो बहुत तड़प रही है और वो वापस जाना चाहती है। तो उनके मन में विचार आया, वैसे भी 2 पैसे में मेरा क्या भला होने वाला है। वो मछुआरे से पूछते हैं कि मछली को वापस में पानी डालने का क्या लोगे, पानी में डालने का? तो मछुआरा कहता है 2 पैसे दे दोगे तो मेरा आज का काम चल जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, पर मैं कल इसे पकड़ूंगा, आज तुम्हारे नाम पर छोड़ देता हूँ। तो बाबा के पता नहीं क्या मन में आता है कि यार चलो 2 पैसे में मेरा तो क्या ही भला होगा, मैं मछली का कर देता हूँ। ऐसा बोल के बाबा वो 2 रुपये जो है, 2 पैसे जो है वो मछुआरे को दे देते, मछुआरा मछली को वापस डाल देता है। तो जब मछली पानी में जाती है तो बाबा खुश होके बोलते हैं, दूसरी मछली से वो मिलती है, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। वो तो इस तरह से कहते हैं कि एक मछली अपने परिवार से मिल गई, तो वो इस तरह से आवाज लगाते हैं। तो जब वो ऐसे लगा ही रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो चोर उनसे सामान चुरा के ले गया था वो पास में ही था। उसको लगता था, उसे लगा कि बाबा ने उन्हें पहचान लिया है और अभी ये कोतवाल को दे देंगे, तो वो पैर में पड़ जाता है उनके कि ये लो बाबा, ये आपकी स्वर्ण मुद्राएं हैं और ये मैं आपको वापस दे रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कोतवाल के हाथ मत डालना। तो ये पैसा उन्हें मिल जाता है। जब वो पैसा वापस ले ही रहे होते हैं तो वो एक मटका खरीदते हैं और उस मटके में को फिर से नदी में डालते हैं, और कि पानी भर के ले जाता हूँ, मेरी वाइफ अपसेट थी तो पानी भी ले जाता हूँ। अब वो जब घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उस मटके में जो अंगूठी मछली ने खाई होती है, मतलब जो अंगूठी उनकी नदी में गिर गई थी, वो उस मटके में वापस आ जाती है। जब वो दोबारा पानी भरते हैं तो वो मटके में वापस आ जाती है। तो घर में जब बीवी पानी सर्व करती है तो लास्ट ग्लास में वो भी आ जाता है। तो अल्टीमेटली उनके वो जो 2 पैसे थे वो तो चले गए, लेकिन 2 दिन जो अर्जुन जी ने उन्हें दिया था मुद्राएं और सोने के सिक्के, वो उनको वापस मिल जाते हैं। तो अगले दिन वो धन्यवाद करने फिर से सीढ़ियों पे पहुंच जाते हैं, बताते हैं मेरे साथ, पूरा वृतांत बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो अर्जुन जी बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब बाबा चले जाते हैं तो अर्जुन जी भगवान से पूछते हैं, भगवान ये आपकी क्या लीला है, इतना सब देने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला और आपने 2 पैसे दिए तो कमाल हो गया, आप ऐसा क्यों करते हो, क्या इसमें क्या लेसन था जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान हंसने लगते हैं, वो कहते हैं मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह, हमारे कृष्णा जी हंसते हुए बोलते हैं उन्हें मुस्कुराते हुए प्यार से कि अर्जुन जब तुमने उन्हें मुद्राएं दी या वो अंगूठी दी तो जाते वक्त वो अपने बारे में सोच रहे थे, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, सब कुछ मैं था, लेकिन जब मैंने उन्हें 2 पैसे दिए तो उन्होंने क्या सोचा, मछली के भले के बारे में सोचा, मछली की जिंदगी बचाई। तो जब भक्त अपने बारे में ना सोचकर या मनुष्य अपने बारे में ना सोचकर दूसरे का भला सोचता है तो भगवान उसके भले के बारे में सोचता है, पर ज्यादातर हम उल्टा करते हैं, मेरा ये हो मेरा वो हो, उसकी बजाय हमें कर भला सो भला करना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट्स टफ टू थिंक पॉजिटिव अबाउट पीपल, नॉट अबाउट अस, लोगों के बारे में अच्छा सोचना और अपने बारे में ना सोचना थोड़ा मुश्किल तो है, बट थोड़ा सा स्वार्थ छोड़कर कभी करके देखो, बड़ा सुकून है और कर भला हो भला होता है, आई बिलीव इन दैट। सो करके देखोगे तो विश्वास होगा, आई एम श्योर आप में से जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ के ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पढ़कर ज़रूर जवाब दूंगी। और इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है, और नई कहानी के साथ हमेशा की तरह मैं जल्दी हाजिर होंगी। राधे राधे एवरीवन।